महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए कायरतापूर्व हमले की सभी उपस्थित महानगरवासियों, प्रत्येक राजनीतिक दल, व्यापारी संगठन, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, मीडिया बंधु, अधिवक्ता, सभी पार्षद, भारी संख्या में कर्मचारी, नागरिकों द्वारा निंदा की गई और शहीद हुए वीर जवानों को याद कर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। आतंकी हमले में घायल हुए जवानों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। महापौर ने इस दौरान शोक संदेश पढ़ते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए कायरतापूर्ण हमले में हम सभी भारतवासी, प्रदेशवासी, महानगरवासी, प्रत्येक राजनीतिक दल एवं अन्य सभी इस घिनौने कृत की घोर निंदा करते हैं। विपत्ति की इस घड़ी में हम सभी देश के सैनिकों एवं सरकार के साथ खड़े हैं। हम इस कायराना हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सभी घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नगर निगम कर्मचारियों के अनुरोध पर नगर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन स्वेच्छा से मृतक जवानों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से देने का ऐलान किया गया। कोष में भेजने की जिम्मेदारी महापौर ने जिलाधिकारी को दिया। श्रद्धांजलि सभा में महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य सीपी चंद, विधायक चौरी चौरा संगीता यादव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक विनय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, गोरखनाथ पीठाधीश्वर प्रतिनिधि अयोध्या राय, सपा जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और आम जन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, उनकी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। औपचारिकता है ये नाम का संबोधन। प्रतीक्षा बारी की जो अवसर आया है, अब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें देश के प्रति। एसपीसी के महोदय को भी अवसर दिया जा रहा है कि इन प्रतिकार लेने के लिए तत्पर है। हमने पहले ही कहा है ये बिल्कुल खुला मंच है। हम क्रमबद्ध ऐसा अवसर मिले समय देख के अपना श्रद्धा सुमन इन शहीदों के सामने। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आज हमारे ही बीच के लोगों ने ऐसा अतताई भीड़ तक या ना बने, जो मेरे प्रमुख सेवक हैं, राम बनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। छुएगा बलिदानी माँ अपना आंचल बिछा देगी। ये अवसर आया है, मैं युवा शक्ति ये कहता हूँ, इस अवसर का लाभ हमें कहां प्राणों की आहुति देनी है कि जो ये कानून हो, चाहे नियम हो, चाहे कानून हो, मैं सभी ने जो महती आवश्यकता है देश और प्रशासन को ये अवगत कराने की चेष्टा, कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे समाज का ही महसूस करे। हम इस दिव्यांग को अंग को सलाम पहुंचेगी, सरकार के पास पहुंचेगी और आपकी भावनाओं का आदर करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप लाइफ उल्टा करो। बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। और बंदे बंदे आपके मन में एक जन्म सब लोग मेरे साथ थोड़ा सा आगे आइए तो। यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि पुष्पांजलि के लिए आए, पुष्पांजलि अर्पित करें। सभी चाहे छायाकार बंधु हैं, चाहे सामान्य नागरिक हों, चाहे प्रशासनिक तबके के लोग हों, व्यापारी बंधु, राजनीति के लोग, सभी लोग जो कि उसी क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए जा रहे थे, वाहन बुलेट प्रूफ नहीं था, उसे ही चुन के घात आईईडी
जैसे विस्फोटक प्रभाव के माध्यम से ये बीच में ही जयचंद ने किसी ने बताया होगा कि एक ऐसा वाहन जा रहा है, जो मैंने पहले ही कहा भाग्यशाली होंगे कि अपने प्राणों की आहुति देंगे, तिरंगे में लिपटे हुए जब अपने गांव आएंगे, अपने वीरों को बता सका कि तुमने कुर्बानी दी है, देखो हम कितने तत्पर होके उन जयचंदों को चुन चुन के मार रहे हैं। शोक सभा आयोजित की गई है और इस सभा में शहर के सभी गणमान्य नागरिक अधिकारी, नगर निगम के सभी कर्मचारी इन शहीदों के साथ है। एक शोक संदेश हम लोगों को पारित करना है, इसके बाद हम लोग दोहराएंगे और उसके बाद दो मिनट मौन रखकर हम अपने मौन श्रद्धांजलि उन शहीदों को देंगे कि जैसे उन्हें शक्ति प्रदान हो, उनके परिवार में आत्मविश्वास जगे, 130 करोड़ भारतीय उन परिवारों के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए कायरतापूर्ण हमले के हम सभी भारतवासी, प्रदेशवासी, महानगरवासी, प्रत्येक राजनीतिक दल एवं अन्य सभी इस घृणे कृत्य की घोर निंदा करते हैं। वित्त के इस घड़ी में हम सभी देश के सैनिकों और सरकार के साथ खड़े हैं। हम इस कायराना हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सभी घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आइए हम सभी 2 मिनट मौन धारण कर उन वीर शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करने तथा उनके परिवारजनों को इस अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। नगर निगम के तत्वावधान में शहर के सभी गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ता बंधु, व्यापारी बंधु, सभी संगठनों के पदाधिकारी यों द्वारा सर्वदलीय शोक प्रस्ताव पास किया गया है, जो हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए हैं उनकी प्रति श्रद्धांजलि दी गई है और पूरा देश, पूरा प्रांत और पूरा गोरखपुर की जनता में भारी आक्रोश है। पाकिस्तान को इस कुकृत्य का जवाब भारत सरकार देने जा रही है। पूरा देश भारत सरकार के साथ है और यहाँ पर मांग की गई है कि पाकिस्तान को इस दुस्साहस के लिए जो घटना हुई है कड़ी से कड़ी सजा भारत सरकार दे कि फिर वो इस तरह का दुस्साहस न कर सके। शहीदों के सम्मान में उनके परिवार के लिए हमारे सभी नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों ने एक दिन का अपना वेतन देने का स्वीकृति प्रदान किया है। इस कार्यक्रम में
हमारे शहर के जिलाधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी, एसएसपी साहब, सीडीओ साहब, हम सभी गणमान्य नागरिक, व्यापारी गण उपस्थित रहे हैं और बड़े ही दुख भरे संवेदना से इन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है और पूरा गोरखपुर आज बंद है। इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं शहरवासियों की तरफ से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिन लोग इस घटना में शामिल हैं उनको सख्त से सजा मिले और उन पर शीघ्र ही कार्रवाई हो।